भी नई चीज़ आए मार्केट के अंदर, हमारा काम होता है पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ताकि हमें बताएंगे बिजली के स्विच बटन जिन्हें कहते हैं, ठीक है, हल्की शीट के बारे में बताएंगे और अच्छी शीट के बारे में बताएंगे, जो अच्छी सी अच्छी और कितनी क्वालिटी वाली होती है, ठीक है। जैसे कि हम पहला स्टेप लेते हैं सैनवा का चॉकलेट वाला कलर, ठीक है, देखें जी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं, ठीक हैं व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है मैं एमएस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं, मोहम्मद इस्लाम, ठीक है। आपको तो पता है हम घर के मुतल्लिक कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, अपने कस्टमर को बताते हैं कि जो भी नई चीज़ आए मार्केट के अंदर, हमारा काम होता है पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ताकि आपको पता हो कि हमने कैसे और कौन सी चीज़ लेनी है और किस चीज़ में क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे कि आज हम एक क्वालिटी में लेकर आए हैं शीट्स, ठीक है, हल्की शीट्स के बारे में भी बताएंगे, बिजली के स्विच बटन जिन्हें कहते हैं, ठीक है, हल्की शीट के बारे में बताएंगे और अच्छी शीट के बारे में बताएंगे, जो अच्छी शीट होती है उसकी क्वालिटी कैसी होती है और उसको कितने एम्पेयर होना चाहिए और कितने कम होना चाहिए, ठीक है। तो चलें आज चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं बता रहा था कि आज हम स्विच सॉकेट्स के बारे में बताने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसमें हर किस्म की क्वालिटी लगी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये सैनवा की शीट लगी हुई है, ठीक है, ये ओसो की शीट है, ये भी सैनवा की शीट लगी हुई है, ये आ जाती है गाजा की, ठीक है, और ये भी उसी कंपनी के जो पीछे लगी हुई है, ये नॉन की शीट आ जाती है, ठीक है। अब इनके बारे में आपको क्वालिटी के बारे में बताऊँगा कि यार शीट कौन सी अच्छी और कितनी क्वालिटी वाली होती है, ठीक है। जैसे कि हम पहला स्टेप लेते हैं सैनवा का चॉकलेट वाला कलर, ठीक है, देखें कितनी बेहतरीन शीट है, खूबसूरती भी आपको नज़र आ रही होगी और इसकी फिनिशिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और अब आपको मैं इसके बैक साइड से बताता हूँ, कैमरा अगर फोकस करता है, देखें अभी कैमरे के अंदर आ रहा है 20 एम्पेयर और 250 वाट, ठीक है। 20 एम्पेयर और 250 वाट का मतलब होता है कि 20 एम्पेयर का इसमें बटन और 20 एम्पेयर की साकड़ लगी हुई है, ठीक है। और जो शीट 16 एम्पेयर की होती है उसको कभी आपने घर के लिए नहीं लेना, क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा सा लोड आएगा वो पिघल जाते हैं, आपको पता है सॉकेट्स पिघल जाती हैं, वाली सॉकेट्स, ठीक है, पिघल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और जस्ट के वो 2 से 3 महीने चलती हैं, ठीक है। हालांकि जब अच्छी शीट लेंगे तो ये कम से कम 5-5 साल ख़राब नहीं होती, ठीक है। अभी मैं आपको ये हल्की शीट के बारे में बताने लगा हूँ, ये हल्की शीट है, ठीक है, आपको इसकी प्लास्टिक नज़र आ रही होगी, ठीक है, इतनी कोई फाइन बनी भी नहीं है, ठीक है। अभी इसकी भी मैं आपको लगाता हूँ, ये देखें ये आ गया 16 एम्पेयर का, नज़र आ रहा है जी 16 एम्पेयर का आ गया, ये 16 एम्पेयर की चीज़ आ गई, ठीक है। ये शीट भी सस्ती है मार्केट में, ठीक है, और इसकी क्वालिटी इतनी फाइन भी नहीं है, ठीक है। ये जैसे आप देखेंगे तो बस कहेंगे बस ठीक है यार गुजारा कर रही है शीट, ठीक है। जिन्होंने घर के लिए लगानी है वो 20 एम्पेयर बटन लाजमी लगाएं, ताकि सस्ते को ना देखा करें, चीज़ थोड़ी महंगी प्रोवाइड कर ले लें लेकिन अच्छी लें, ठीक है, क्वालिटी वाली लें। अब देखिए मैंने आपको सिर्फ इन दो शीटों के बारे में बता दिया, ये 20 एम्पेयर का बटन है, ये कम से कम 5 से 10 साल की कहीं शीट नहीं जाती, ठीक है, और ये 16 एम्पेयर का बटन है, ये 3 से 4 महीने बाद आपको कोई ना कोई मसला देना स्टार्ट हो जाएगी यार के बिल्कुल बटन का भी काम करना छोड़ देंगे, लूज़ हो जाएंगे, देखें इसका स्प्रिंग भी लूज़ अभी से लूज़ है, देखें और इसके स्प्रिंग काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है, जो इनके अंदर लगे होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं डली होती जिसकी वजह से मसला आता है, सही है। और आप कोशिश करें कि 20 एम्पेयर का बटन लगाएं, ताकि आपके घर में आपको परेशानी ना हो, कोई मसला परेशानी ना हो, ठीक है, जो चीज़ लगाएं अच्छी ताकि चले, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।